जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस यहाँ हमारी स्विमिंग पूल वाली मस्ती चल रही है, यहीं पे वीडियो का एंड किया था, यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आज का भी ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के पहले जितने भी नए लोग हैं ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें। बारिश में स्विमिंग पूल में नहाना, वाव, आप लोग जरूर आइएगा एक बार महाबलेश्वर। ये तो पंचगनी है, महाबलेश्वर अभी जाएंगे हम लोग। फिलहाल तो एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। बैटरी बनाना है। और यहाँ हमारी स्विमिंग पूल में मस्ती चल रही थी, बारी बारी सब अपना अपना वीडियो बनवा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा स्विमिंग पूल में भीड़ हो रखी थी। लड़कियों में सिर्फ मैं ही अकेली थी और इनको मैंने बोला कि चलो एक बार फ़ोटो मेरे को गोद में उठा लो। बोले तुम बहुत भारी हो गई हो। बोले अरे यार अभी वेट लॉस किया है, कैसी बात कर रहे हो। तो इन्होंने बस गोद में उठाया और पानी में पटक दिया और बस बहुत ज़्यादा मस्ती करी हम लोगों ने यहाँ और बहुत मज़ा आया। ये सुबह के 6 बज रहे थे, 6 से लेकर 7:30 बजे तक हम लोग पानी में ही ऐसे ही पड़े रहे, इधर उधर फ़ोटो खिंचवाना, कभी ये कभी वो, कभी पानी के अंदर। और इसके पहले मैंने तैरना तो ऐसे कोई मैंने स्विमिंग क्लास वगैरह तो नहीं करी है, अपने गांव की देसी नदी में ही तैरना सीखा है। मैंने कोई अलग से स्विमिंग क्लास नहीं करी थी तो उसी स्टाइल में मैं तैर रही थी। मैंने बोला यार इसी चीज़ के लोग आजकल पैसे लगा रहे हैं, हमने तो अपने नदी तालाब में ही सीखा है, मैं तो वैसे ही तैरूंगी। और बस भाई ने बोला चलो एक बार ऐसे ना अपना सेल्फी मोड में लेकर के पानी में कूदो, तो बस वहीं यही सब चल रहा था और खूब सारी मस्ती करी इधर उधर और पानी के अंदर घुस के फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना, सब यही सब चल रहा था। बहुत मज़ा आया था। और छोटा वाला भाई नहीं आया था, क्या है कि उसका अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो वो पढ़ाई कर रहा था, उसका एक एक टाइम कीमती है, तो बोला नहीं मैं घूमने आ गया हूँ बस इतना ही, बाहर जहाँ जाना होगा चले जाएंगे साथ में, बाकी जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ाई करूँगा। तो वो पढ़ाई कर रहा था और ईशू को हमने उसी के पास छोड़ दिया था और वो टीवी देख रहा था आराम से। बोले चलो ठीक है, ये हमारा फ्री टाइम है, हम इसे अच्छे से इंजॉय करेंगे। तो सबके साथ आए तो इंजॉय कर लिए, नहीं तो फिर नहीं हो पाता, इतनी मस्ती नहीं कर पाते हम लोग। और बस यहाँ सबकी मस्ती चल रही है, कभी वो पानी में, कभी हम पानी में। और बस और गार्डन में इतने खूबसूरत फूल लगे थे, तो एक मैंने गुलाब का फूल तोड़ा था, डर डर के कहीं डांट ना पड़ जाए, और बालों में लगा लगा के फ़ोटो खिंचवाई थी। तो जस्ट अभी स्विमिंग पूल से आकर के सब लोग ने शावर लिया, तैयार हुए, अब इस होटल को छोड़ने का टाइम आ गया। तो कुछ इस तरह की ड्रेस पहन रखी है मैंने और बस अब निकलते हैं। तो इधर के गेट से ही निकल रहे हैं, उधर से नहीं निकल रहे हैं, यहीं से निकल जाएंगे। सच में यार बहुत मिस करेंगे इस जगह को। सारी पैकिंग वगैरह अच्छे से कर ली थी हमने और अभी निकल रहे हैं। यहीं पे लंच है, वो सॉरी ब्रेकफास्ट है हमारा, तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या रहता है। तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या है ये देखा। और यहाँ ब्रेकफास्ट का काफ़ी सारा ऑप्शन था हमारे पास, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी और बटर, बच्चों के लिए जैम जो यहाँ का लोकल फूड है, फ्रूट्स भी थे। तो फ्रूट्स में 3 तरह के फ्रूट्स थे यहाँ पे और यहीं की लोकल चीज़ें ही मिलेंगी आपको, जैसे कि चिकन कीमा भी था साथ में, अगर नॉनवेज में किसी को खाना है। सांभर वड़ा था और इडली थी और चीला वगैरह था और यहाँ पे मिसल पाव वगैरह तो हर जगह ही मिलता है, ये पूरे महाराष्ट्र का फेमस नाश्ता है। तो मिसल पाव का नाश्ता किया था हमने, भर भर के अच्छे से दबा के खा लिया था ताकि हमें दोपहर में कुछ भी ना खाना पड़े, सीधे रात में हमने खाया फिर खाना। और यहाँ पे हलवा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत बढ़िया हलवा बना हुआ था और चटनी वगैरह भी जितनी थी ना वो भी बहुत अच्छी अच्छी थी और कॉफ़ी भी थी। तो सबका नाश्ता वगैरह तो सबसे सबका बहुत अच्छे से हो गया। अब निकल रहे हैं, फिर से देखते हैं, एक दो जगह बची हैं, एक दो स्पॉट बचे हैं, वहाँ जाके घूमेंगे थोड़ा सा, फिर सारी चीज़ें आपको आपके साथ ज़रूर शेयर होंगी। तो बच्चों का रोना गाना तो चलता ही रहता है इधर। और बस हम लोग निकल चुके थे और ये मैप्रो गार्डन से होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सुबह सुबह ही मिलने लगते हैं, भुट्टे वगैरह और स्ट्रॉबेरी, ये सब चीज़ें थी। तो सोचा कि बाद में जब वापस रिटर्न आएंगे तो एक बार मैप्रो गार्डन होते हुए ज़रूर जाएंगे। आगे से बस भी आ रही है क्योंकि यहाँ की लोकल स्कूलें वगैरह चल रही हैं, तो स्कूल बस, कॉलेज बस। और हमें जाना है
गेट्स पॉइंट। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और गजब का फॉग हो रखा है। ये देखिए कुछ भी आगे दिख नहीं रहा है। ये देखिए गजब का फॉग हो रखा है। और ईशु यहाँ पूरा एंजॉय कर रहा है, पूरे मौसम का मजा ले रहा है। ये बिल्कुल मान ही नहीं रहा है लड़का। वैसे ये हवा नुकसान तो नहीं करनी चाहिए। ये आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब की गाड़ियों की लाइट जल रखी है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये देखिए अभी रुक जाओ थोड़ी देर, बोलो। अरे पानी आ रहा है। पुणे के ये घने जंगल महाबलेश्वर पंचगनी के, क्या जंगल है भैया। वाइल्ड लाइफ सफारी, बहुत ज्यादा घना है। क्या घना जंगल है, देखो। यहाँ ट्रैफिक है तो मतलब। गेट्स पॉइंट पहुंच चुके हैं और बच्चों को आज ना रेनकोट पहना दिया क्योंकि बराबर बारिश हो रही है और छाते वगैरह से पूरे कवर नहीं हो पाते, ये नीचे तक भीगी जाते हैं। तो यहाँ हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है। देखते हैं अभी क्या क्या कवर करते हैं, जो भी होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और बस कुछ ऐसा वेदर हो रखा है यहाँ, फॉगी फॉगी सा। बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ हॉर्स राइडिंग भी होती है, तो काफ़ी सारे हॉर्स भी हैं और काफ़ी लोग गए हैं अभी हॉर्स राइडिंग के लिए। हो सकेगा तो हम लोग भी करेंगे। अभी तो हम लोग ना करें पर बच्चों को ज़रूर करवाएंगे। इतना ज्यादा फॉग हो चुका है ना कि अब कुछ दिखने वाला नहीं है। ये देखिए, माय गॉड, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको सारा व्यू। बहुत वाओ, ना जन्नत है जन्नत। जाऊँ क्या मैं नीचे? नीचे नहीं जा सकते यार, पहाड़ से गिर जाएंगे अपन। बहुत ज्यादा फॉग हो रखा है, कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है एक्चुअली। मिस्टी मिस्टी ईशु और इधर बच्चों की सेल्फी चल रही है, पर ईशु बिल्कुल भी फोटो खिंचवाने के मूड में नहीं है। बस वो एक ही अपना पोज देता है। अब दिख रहा है इधर पीछे का, देखो कुछ कुछ दिख रहा है। हाँ फिर से फॉग आ रहा है उधर से ढेर सारा। यार का हेड फॉग के कारण कुछ दिख ही नहीं आया, फॉग की वजह से ये ऐसा हो रखा है। फॉगी फॉगी फोटो ले लेते जा रहे हैं, डर लग रहा है थोड़ा सा। बेटी को करना है इसलिए मैं साथ में जाऊंगी इसके सेफ्टी पर्पस से। फर्स्ट आप बैठो मैडम, उसको इधर ही रुको। फर्स्ट आपको बैठ, आ जाओ इधर, आ जाओ। मैं बैठ जाऊं? हां आप पहले बैठ के लो, तो फिर बच्चे को मैं आपके आगे देता हूं। भाई रखो इसमें और सिंगल वीडियो तुम बच्चा। चलो बेटा पीछे हटो, फोटो ले रहे हैं भाई इनका अकेले का, मैडम का वीडियो ही बन रहा है। बाबू पूरा वीडियो बन रहा है। आओ बेटा मेरे। तो मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ, बेटी बैठेगी मेरी खाने दादा। दादा घ्यायचा आहे फोटो जंपिंग वाला वगैरे, जंपिंग वाला पाठवू का उडा? ए जेडी इथे बघा, साहेबांना जंपिंग वाला पाहिजे। चलो स्टार्ट स्टार्ट। ते तिथे तिघ जण उभे आहेत ना, मोबाईल आहे का दाखवायला? आहे ना, मना रहा ना। गेट्स पॉइंट्स बहुत अच्छे से एंजॉय किया और बारिश में खूब भीग गए हम लोग। तो अभी तो मैं चेंज करूँगी, अभी वापस से मैप्रो गार्डन जा रहे हैं, वहाँ जाके चेंज करेंगे और देखते हैं वहाँ कुछ खाए पियेंगे अगर लगेगा तो। वैसे तो भूख नहीं है क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था और पूरे भीग चुके हैं। मैं और मिस्टी तो बच गई थी, मिस्टी ने रेनकोट पहना हुआ था, मैंने कुछ नहीं पहना हुआ था, तो पूरा कपड़ा गीला हो चुका है। तो गाड़ी यहाँ पार्क में लगा दी, बहुत मुश्किल से मिली है पार्किंग हम लोगों को। तो मैप्रो गार्डन की ये फ्री पार्किंग है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है।
तो यहाँ ढेर सारी गाड़ियाँ लगती हैं और काफ़ी टाइम तक खड़ी रहती है, तो थोड़ी पार्किंग की दिक्कत होती है, बट मिल गई है और बारिश वापस से स्टार्ट हो गई है। तो बस थोड़ा सा जाएंगे, जो वहाँ का लोकल आइसक्रीम है ना यहाँ का, वो खानी थी हम लोगों को, वो कल हमारी बच गई थी, नहीं खा पाए थे। क्या है कि वो 12 बजे तक ही मिल पाती है और बहुत ज़्यादा ही उसकी डिमांड रहती है, तो फटाफट से ख़त्म हो जाती है। देखते हैं आज मिलती है कि नहीं, चल तो रहे हैं। तो मैप्रो गार्डन वापस आ चुके हैं और मुझे चेंज करना है, तो कपड़े भी साथ में लेके आई हूँ। अभी जाऊँगी थोड़ा वॉशरूम और वहाँ पे जाके कपड़े चेंज करना है। बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो गई है गाइस, दौड़ के आ गई। और बहुत ज़्यादा, आज संडे है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ, तो आज संडे है, देखते हैं यहाँ का क्या हाल है। और काफ़ी खचा खच भरा हुआ है। मैप्रो गार्डन से एग्जिट ले रहे हैं, अभी जाएंगे उधर। तो काट देना उसको, निकाल दो, भी चलेगा। पत्ते के साथ अच्छा रहता है, खाने का पत्ता थोड़ी। तुम जाओ। तो ये स्ट्रॉबेरी ली है, स्ट्रॉबेरी कल भी खा ली थी तो आज थोड़ा सा लिया है, खा के देखते कैसा है। लो खा लो। तो अभी ये रेड वाली मूली ट्राई करते हैं कैसी है। सैलेड के लिए ऐसे भी खा सकते, क्या दिक्कत है, धुली तो है। मस्त वाली तीखी है, तीखी है, टेस्ट कर लो। तीखा है, नहीं चिची। मौसम में जामुन, जामुन मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। अच्छी है, मस्त मीठी, एकदम फ्रेश है। एक थाली दाल भात मिल जाए उसके साथ मजा है। और एक गाजर ली थी, फ्री में ली थी। वो रखा था दो तीन थाली। गाजर बहुत खाई है, इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन है। मुझे नहीं मिलेगा खाने को, यही खा लेगा सारा। चलो ना, जामुन खाने की बात। ये यहाँ मार्केट में हम लोग रुके हुए हैं और ये देखिए कटहल भी लोग खाते हैं यहाँ पे कटवा कर। चार पीस में कर लो भले ही। और ये रसबेरी और अमरूद यहाँ का अलग टाइप का है थोड़ा। गाजर, ये कुछ अंदर से इस तरह से रेड कलर की होती है और बहुत ही क्रंची होती है अंदर से और बहुत ही जूसी। और ये कटहल ऐसी रहती है यहाँ से, इसको कच्चा खाते हैं? कच्चा नहीं, पक्का है। ये पकी कटहल खाते हैं यहाँ ऐसे। हमारे यहाँ कच्चा कोई नहीं खाएगा, कच्चा कोई नहीं खाएगा, पका के खाते हैं। इसका सब्जी नहीं खाते आप लोग? सब्जी नहीं बनाते, वो उधर आपके यूपी में बनाएंगे। एमपी में भी बनाते हैं? हमारे यहाँ कच्चे का सब्जी, हमारे यहाँ एमपी में पंडित लोग इसको बोलते हैं कि ये नॉन वेजिटेरियन, मतलब नॉन वेज है ये। कौन बोलेगा, मतलब ऐसा बोलता है उधर सब। फ्रूट कैसा नॉन वेज? हाँ नहीं होता है ना, बोलते हैं सब, पता नहीं क्या है, भ्रम है लोगों को। कैसा हो जाए, नहीं हो सकता। हाँ, अगर मशरूम बोलेगा तो नॉन वेज हो सकता है। हाँ, पूरा कटवाना है। हाँ, एक ऐसा रहने दीजिए, बाकी इतना ही काटिए, इतना ही खाएगा। मस्त काटा है, दो रहने दीजिए। हाँ हाँ, दो रहने दीजिए। मसाला डालने का इसके ऊपर? हाँ, मसाला डालने के, दूसरे पनीर डाल देंगे। और इधर लेटेस भी मिल रहा है, ये देखिए फ्रेश ड्रैगन, ये फ्रेश ही नहीं। और ये ड्रैगन फ्रूट है इधर, इसको क्या बोलते हैं? फैशन फ्रूट। फैशन फ्रूट है, फैशन जैक फ्रूट, जैक फ्रूट। ये सब तो, हाँ ये सब देखा है। और यहाँ का रॉ बनाना, बनाना सब्जी के लिए, सब्जी के लिए है इधर। ये थोड़ा दिखाएंगे, थोड़ा सा, एक टुकड़ा छोटा सा दीजिएगा, मीठा होगा ना। हाँ बस, अरे बहुत ज़्यादा हो गया। और ये लेटेस्ट तो बहुत फ्रेश दिख रही है, बढ़िया दिख रही है, मतलब इसका सैलेड खा लो आप, सैंडविच में खाओ, बहुत सही लगती है। इधर बंदर मामा भी आ रखे हैं, ये देखिए। यहाँ के बंदर थोड़े अलग टाइप के ही दिख रहे हैं, मोबाइल लेके ना भाग जाए। और इनकी नाक थोड़ी अजीब टाइप की है,
उरी दादा, ओ दादा देखते कैसा है, पंचुसा है थोड़ा। और बस इन नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम लोग महाबलेश्वर से निकल चुके हैं पुणे की ओर। अब जाएंगे पुणे, पुणे से जाएंगे इंदौर। तो पुणे में भी मेरी एक दो फ्रेंड है, उनसे मिलूंगी, तो वो सारा भी ब्लॉग आपके साथ शेयर होगा। आई होप ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये सारा व्यू और ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।